पथुताला फ्रेंड, यह मूवी तमिल मूवी है और इस मूवी में आपको देखने के लिए मिलेगा एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिलेगा। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी का रिव्यू करते हैं, क्या है कैसा है इस मूवी की स्टोरी। सबसे पहले फ्रेंड, इस मूवी का स्टोरी से बताने से पहले फ्रेंड, यह मूवी एक कन्नड़ मूवी का एक रीमेक मूवी है। मुक्ति के नाम से एक मूवी आया था, तो उसी का यह मूवी रीमेक मूवी है। और इस मूवी का कहानी चालू होता है फ्रेंड, क्या होता है फ्रेंड, एक एजीआर है, एक्टर है और वो बहुत बड़ा डॉन रहता है, या तो बिजनेसमैन समझो या तो लोगों का रक्षा करने वाला समझो, जो भी समझो। और उसके बाद फ्रेंड, उसको पकड़ने के लिए काफ़ी सारे पुलिस पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकता है। और उसके बाद एक और कहानी चलते रहता है, और उस सिटी में जो सीएम बना रहता है उसका किडनैप हो जाता है। और उसके बाद फ्रेंड, पुलिस वाले भी खोजने के लिए चालू कर देते हैं कि जो सीएम है लापता हुआ तो हुआ कैसे। और उसके बाद फ्रेंड, जो पुलिस वाले हैं एक अंडरकवर एक पुलिस वाले को भेजते हैं उस एजीआर के पास, ताकि उसके साथ अच्छा से मिलीभगत हो सके, ताकि उसको वो लोग मार सके। और उसके बाद फ्रेंड, इस मूवी को आपको देखना पड़ेगा, क्या वो जो पुलिस वाले उन लोगों को मार सकता है कि नहीं, और जो सीएम है वो लापता क्यों हो रहता है और किस वजह से होता है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए फ्रेंड, इस मूवी को आपको देखना पड़ेगा। और फ्रेंड, इस मूवी का स्टोरी की बात करूं तो मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर आप पहले आप देखोगे थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट लगे कि मूवी क्या देख रहा हूँ बोलोगे, लेकिन जैसे फ्रेंड अगर आगे देखोगे ना इस मूवी को, तो आपको पूरी तरीके से दिलचस्पी बना रहेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस मूवी में आपको कुछ नयापन आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड, इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 घंटा 10 मिनट का लगभग है, और पूरी तरीके से आपको मज़ा देगी यह मूवी। और इस मूवी अगर सभी लोग अगर एक्टर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। और जो एजीआर है, कैसे जो विलन का भी एक रोल किया गया है, और एक लोगों का एक भला करने के लिए आप देवता मान सकते हो, तो उस टाइप से इस जिस तरीके का जो परफॉर्मेंस दिया है काफ़ी तारीफ है। और उसका एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार, कि वो जब एक्शन का जब सीक्वेंस है ना, वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। एक नंबर है इस मूवी का एक्शन, और इस मूवी में जो भी डायलॉग है वो भी आपको ज़रूरी पसंद आएगा, और इस मूवी का जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो आपको ज़रूरी पसंद आएगा। और इस मूवी में आपको थोड़ा बहुत आपको लव स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तो एक लव स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगा और एक भाई बहन का प्यार देखने के लिए मिलेगा। तो पूरी तरीके से इस मूवी का अगर एक शब्द में बोलूँ तो एक इंटरटेनमेंट मूवी है, और इस मूवी को आप पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो, और इस मूवी में आपको ऐसा वैसा आपको सीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से साफ सुथरा मूवी है, और इस मूवी को फ्रेंड एक बार अगर देखना चाहते हो तो थिएटर में जाकर जरूर ही देखना, या तो विचक्रस्त अपना सकते हो, आपको तो पता ही होगा। तो फ्रेंड, इस मूवी का अगर आप लोग अगर देख लोगे तो हमें कमेंट करके यह सुनो जरूरी बताना, क्या मूवी आपको पसंद आया कि नहीं आया। और जाते जाते फ्रेंड, मेरा छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट तो जरूरी करना। अगले वीडियो में मिलता हूँ फ्रेंड, टेक केयर, बाय।